आज मैं वो बातें बताने जा रहा हूँ जो मैं अपने जीवन में सीखा हूँ और उसे अप्लाई करके मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल किए हैं। मेरे सफलता के पीछे की राज यही स्टोरी रहा है, पर यह स्टोरी को बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो स्टोरी के थीम का नाम है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, पर कई बोलते हैं फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। पर आप खुद बताइए कि अगर कोई इतना फास्ट हुआ तो वो स्टडी कैसे हो सकता है। इसलिए इस स्टोरी को मैं समझने के लिए एक बहुत अच्छा कछुए और खरगोश का उदाहरण है। उस स्टोरी को मैं दोबारा से बताता हूँ क्योंकि बहुत लोग इस स्टोरी को बताते समय मिस रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका समरी यानी थीम बहुत गलत तरीके से निकल गया आता है। इसलिए हमें ये स्टोरी को फिर से समझना चाहिए। तो शुरू करते हैं। एक रेस में कछुए और खरगोश दोनों भाग लेते हैं, पर हम सब के माइंड में ये होता है कि खरगोश जीतेगा, कछुआ हारेगा, क्योंकि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और कुछ ही मिनटों में, चंद घंटों में वो बहुत दूर चला जाएगा और फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाएगा। पर कछुआ बहुत धीरे चलेगा और वो खरगोश से तेज नहीं चल पाएगा और वो फाइनल पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। अब सचमुच में रेस शुरू हो जाता है। जब रेस शुरू होता है, कछुआ जब 3 पग आगे चलता है, खरगोश 10 पग आगे चलता है। जब कछुआ फिर 2 पग आगे चलता है, खरगोश 8 पग आगे चलता है। इस तरह खरगोश और भी तेज भागने लगता है, पर कछुआ धीरे धीरे चलता है। जब खरगोश बहुत दूर तक पहुंच जाता है और कछुआ उस खरगोश को नज़र ही नहीं आते, तभी खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक जाता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बीत जाते हैं, पर खरगोश को कछुआ नज़र ही नहीं आता। फिर देखते ही देखते खरगोश छपकी लेता है और कब नींद में सो पड़ता है उसे पता भी नहीं चलता। खरगोश सपने में देखता है कि वो जीत गया है और कछुआ हार गया है। वो गोल्ड मेडल पकड़ने ही वाला है और फिर उसका सपना टूट जाता है। जब खरगोश का आंख खोलता है, हकीकत में कछुआ रेस जीत चुका होता है और खरगोश बहुत पीछे होता है। फिर खरगोश दौड़ते दौड़ते फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाता है, पर फाइनल पॉइंट में पहुंचकर अचंभे में देखता है कि कछुआ गोल्ड मेडल पकड़ के खड़ा हुआ है। कछुआ और खरगोश की कहानी तो ख़त्म हो गया और यहीं से हमारा जीवन की कहानी शुरू होता है। मेरा पर्सनली यही मत है कि कोई भी चीज़ झट से प्रकट नहीं होता या फिर कोई भी काम झट से नहीं हो जाता। कुछ चीज़ें हैं जो लाखों वर्ष लगते हैं, अरबों खरबों वर्ष लगते हैं बनने के लिए, पर कुछ चीज़ें बहुत कम समय में बनते हैं, पर समय ज़रूर लगता है। हमारे आगे चाहे कितने भी बड़े चीज़ हो, अगर हम उस बड़े चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त करें और उस एक एक छोटे हिस्सों को कुछ कुछ समय दें, तो हम बहुत लंबे समय में एक बड़ा चीज़ हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखें, खरगोश इसलिए हारा था क्योंकि वो बहुत बड़े सफ़र को कुछ चंदों मिनटों में ख़त्म करने का कोशिश कर रहा था। इसलिए खरगोश फास्ट तो था और फास्ट होने के कारण स्टडी नहीं हो पाया, क्योंकि वो बहुत फास्ट था इसलिए वो थक गया था और थकने के कारण वो पेड़ों में आराम करने के लिए सोचा, क्योंकि कछुआ पीछे था। इसलिए ध्यान रखें, अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं
तो अपने कंपटीटर का ना देखें, आप अपने आप को देखें कि आप रोज कितना आगे बढ़ रहे हैं। और वो छोटे छोटे काम जो आपने छोटे छोटे समय पे निर्धारित किया था, क्या वो ठीक ढंग से हो पा रहे हैं स्टडीली? स्टडी का ये मतलब होता है कि कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहना, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, पर हर दिन हर रोज एक घंटा पढ़ना। इसका लॉजिक यही था। और अब आपके हाथ में है कि मेरे दिए गए लॉजिक को एक्सेप्ट करके आप कितने ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। एक दिन आप जब ऊंचाई पर अपने आप को देखेंगे तो मुझे एक बार याद कर लेना। थैंक यू।